क्या आपको मालूम है इन दोनों वर्ड्स में क्या फर्क है? यानी पहला वर्ड है कॉन्फिडेंट, जिसका स्पेलिंग है CONFIDENT, और दूसरा वर्ड है कॉन्फिडेंट, जिसका स्पेलिंग है CONFIDENT। यानी पहले वर्ड में डी के बाद ई है, जबकि दूसरे वर्ड में डी के बाद ए है। आइए इन दोनों वर्ड्स के बारे में ठीक से समझें। कॉन्फिडेंट यानी CONFIDENT का मतलब होता है भरोसा। यानी जब आप इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं जहां आप कहते हैं यकीन या भरोसा, तो वहां पर आप कॉन्फिडेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे कामयाबी पाने का यकीन है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस। यानी मुझे कामयाबी पाने का भरोसा है या यकीन है। मुझे आप पर यकीन है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव कॉन्फिडेंट ऑफ यू। यानी मुझे आप पर यकीन है या आप पर भरोसा है। अगर आपको कहना हो मुझे इस ब्रांड पर यकीन है या भरोसा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव कॉन्फिडेंट ऑफ दिस ब्रांड। यानी मुझे इस ब्रांड पर यकीन है या भरोसा है। अगर हम बात कॉन्फिडेंट की करें, यानी CONFIDENT, तो इस वर्ड का मतलब होता है भरोसा वाला इंसान या यकीन किए जाने वाला इंसान। यानी एक ऐसा इंसान जिसे कोई आदमी अपनी राज की बात या अपनी खास बात उसको बताता है, क्योंकि उस आदमी को उस पर यकीन या भरोसा रहता है। तो जब आपको कहना हो भरोसे वाला आदमी, तो वहाँ पर आप कहेंगे कॉन्फिडेंट। जैसे अगर आपको कहना हो वह अपने भरोसे वाले आदमी के द्वारा मार दिया गया, यानी वह एक ऐसे इंसान के द्वारा मार दिया गया जिस पर वो यकीन करता हो या जिस पर वह भरोसा करता हो, यानी वह आदमी भरोसे वाला था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज किल्ड बाई हिज कॉन्फिडेंट। यानी वह अपने भरोसे वाले आदमी के द्वारा मार दिया गया। अगर आपको कहना हो उसके भरोसे का आदमी उसे धोखा दे दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज कॉन्फिडेंट चीटेड हिम। यानी उसके भरोसे का आदमी उसे धोखा दे दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इन दो वर्ड्स के बीच के डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय।